नमस्कार दोस्तों, क्या एक एनआरआई यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन को इंडिया में आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है अथवा नहीं? आज की वीडियो में दोस्तों ये प्रश्न लेकर के मैं सी अनु भाटिया आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने कवरेज रख रहा हूँ इन फॉर्म्स ऑफ वेरियस क्वेरीज विच वी आर गोइंग टू डील विथ। हु इज एन एनआरआई, एनआरआई कौन है, स्कोप ऑफ इनकम ऑफ एनआरआई, एनआरआई की इनकम का स्कोप क्या है, इनकम ऑफ एनआरआई टैक्सेबल इन इंडिया, एनआरआई की कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल है अगर मैं हेडवाइज बात करूं तो, हाउ टू कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ एनआरआई इन इंडिया, एंड व्हेन एनआरआई इज मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू फाइल आईटीआर इन इंडिया। आगे चलते हैं सर, इन प्रश्नों का एक एक करके उत्तर देखेंगे। तो दोस्तों, हालांकि आप सबको वाकिफ है कि एनआरआई कौन होता है, लेकिन फिर भी एक डेफिनेशन से शुरू करते हैं। नॉन रेजिडेंट इंडियन मीन्स एन इंडिविजुअल बींग सिटीजन ऑफ इंडिया और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन हु इज नॉट रेजिडेंट। तो सिंपली स्पीकिंग, एक भारतीय नागरिक जो भारत से बाहर किसी व्यापार के पर्पज से, किसी सैलरी के पर्पजेज से काम करने गए हैं, या भारतीय मूल के व्यक्ति, ये दोनों ही प्रकार के व्यक्ति को दोस्तों इंडियन इनकम टैक्स लॉ एनआरआई की दृष्टि से देखता है। अब आपके सामने दोस्तों स्कोप ऑफ इनकम ऑफ एनआरआई रखता हूं कि कॉन्सेप्चुअली जब आपका रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन हो गया और उसमें ये निकल करके आया कि आप नॉन रेजिडेंट हैं, तो एज अ नॉन रेजिडेंट होने के बावजूद आपकी कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी? तो सर, फॉलोइंग इनकम ऑफ एनआरआई शेल बी टैक्सेबल इन इंडिया। चार प्रकार की एनआरआई की इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो सकती है। पहली, इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया, ऐसी इनकम जो आपको इंडिया में एक्रू या अराइज हुई हो, यानी जो आपको इंडिया में उपार्जित हुई हो। इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, जो एक्चुअली एक्रू तो नहीं हुई पर सेक्शन 9 के वर्क पर्पजेस से इंडिया में डीम टू एक्रू और अराइज मानी जाए, ऐसी इनकम जो इंडिया में आपने सीधे रिसीव कर ली हो, या इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। तो सिंपली स्पीकिंग सर, नॉन रेजिडेंट की ये चार प्रकार की इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है। अब दोस्तों आप कहेंगे कि अभी तो वाडिया जी आपने बताया कि नॉन रेजिडेंट की इनकम इंडिया में कौन सी टैक्सेबल होती है, तो फिर आप इनकम ऑफ एनआरआई टैक्सेबल इंडिया पर क्या डिस्कशन ला रहे हैं? अब मैं उसी बात को दूसरे फॉर्मेट में रखता हूं, दैट सच इनकम ऑफ अ नॉन रेजिडेंट कुड बी आइदर सैलरी इनकम, इट कुड बी इन फॉर्म ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इनकम यानी किराए से आए, इट कुड बी इन फॉर्म ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन इनकम, या कैपिटल गेन की इनकम हो सकती है, चाहे वो शेयर से आए, रियल एस्टेट से आए, या ऐसी इनकम दोस्तों इंटरेस्ट के फॉर्मेट में या डिविडेंड के फॉर्मेट में भी एक एनआरआई को इंडिया में हो सकती है। अब एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपके सामने रखता हूं कि मान लीजिए एनआरआई को रिटर्न भरनी है नहीं भरनी, इसके लिए एक बार मुझे टोटल इनकम का फिगर बहुत जरूरी है। ये टोटल इनकम का फिगर निकालने के लिए मैं क्या स्टेप्स फॉलो करूंगा? तो जो मैंने अभी आपको हेड्स बताए सर, उन पांच हेड्स में आपकी रिस्पेक्टिव इनकम का अलग अलग कैलकुलेशन होगा, यानी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर रिस्पेक्टिव हेड्स ऑफ इनकम। वो जो पांचों हेड की इनकम है दोस्तों, उसको क्लब किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा, तो आपकी एग्रीगेट हेडवाइज इनकम निकलेगी, जिसको हम जीटीआई यानी ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं। इस ग्रॉस टोटल इनकम में से एक एनआरआई को भी चैप्टर 6A के डिडक्शंस यानी डिडक्शन फ्रॉम जीटीआई मिलते हैं, वो घटाया जाएगा, और जो रिजल्टिंग फिगर आएगा सर, वो फिगर उस नॉन रेजिडेंट इंडियन की टोटल इनकम कहलाएगा। यानी मेरे लिए प्राइमरीली किसी भी एनआरआई की टोटल इनकम डिटरमाइन करना जरूरी है, या टोटल इनकम से भी पहले बोलूं तो जीटीआई डिसाइड करना जरूरी है, ताकि मैं ये तय कर पाऊं कि उस एनआरआई एसएससी को इंडिया में आईटीआर भरनी भी है या नहीं भरनी। अब मैं अपनी वीडियो के मूल प्रश्न पर आता हूं, व्हेन इट इज मैंडेटरी फॉर एनआरआई टू फाइल आईटीआर इन इंडिया, कब मैंडेटरी है सर? तो एक सरल तरीका समझने का होगा, वेयर योर ग्रॉस टोटल इनकम फॉर द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स बेसिक एग्जम्पशन। मान लीजिए मैं वित्त वर्ष 2020-21 या वित्त वर्ष 2021-22 की बात करूं, क्योंकि दोनों में ही बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख है। तो अगर एज एन एनआरआई आपकी इंडिया में ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख से ऊपर है, मैं ग्रॉस टोटल इनकम वर्ड यूज कर रहा हूं सर, ध्यान दीजिएगा, यानी बिफोर क्लेमिंग चैप्टर 6A डिडक्शन, तो ऐसी परिस्थिति में एज एन एनआरआई प्राइमा फेसाई आपको इंडिया में आईटीआर भरना मैंडेटरी है। फर्दर लॉ ने यह भी कहा, मान लीजिए आपको कुछ कैपिटल गेन है इंडिया में, आपने रियल एस्टेट बेची है और आपको 2 करोड़ रुपए का रियल एस्टेट बेचने से गेन आया, चाहे आपने उस पैसे का री इन्वेस्टमेंट क्यों ना कर दिया हो, लेकिन बिफोर क्लेमिंग एग्जम्पशन ऑफ सेक्शन 54 to 54F, अगर आपकी इनकम अबव एग्जम्पशन लिमिट है, तो भी एज ए एनआरआई आपको इंडिया में आईटीआर भरना जरूरी है। हालांकि दोस्तों मेरी यहां पर यह एडवाइस है कि अगर एज एन एनआरआई आपने इंडिया में इन्वेस्टमेंट किए हैं, या जैसे आपने शेयर्स खरीदे या कोई रियल एस्टेट खरीदी,
या आपने एज एन एनआरआई आपके फॉर्म 26S में कोई टीडीएस दिखाई दे रहा है, तो प्राइमा फेसाई मेरा सजेशन रहता है कि आप रिटर्न जरूर भरिए, क्योंकि ऐसे ट्रांजेक्शन जनरली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के राडार पे रहते हैं। जब आप रिटर्न नहीं भर रहे तो उन्हें नहीं पता चल रहा कि आपका स्टेटस एनआरआई है। हाँ, आप जब रिटर्न भरते हैं, चाहे आप नील की रिटर्न भरें, तो डिपार्टमेंट को पता चलता है कि अच्छा, इस एसएससी का रेजिडेंशियल स्टेटस एनआरआई है, तो इसलिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस एसएससी ने हो सकता है फॉरेन से लाई गई प्रोसीड्स से इंडिया में इन्वेस्टमेंट किए हों, या फॉरेन से लाई गई प्रोसीड्स पर कुछ इनकम कमाई हो जिस पर उसका टीडीएस कटा है, पर उस एसएससी ने रिटर्न ना भरी हो। दोस्तों, आपके साथ में दो और विशेष पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूं। दैट एनआरआई एंजॉयज स्पेसिफिक एग्जम्पशन फ्रॉम आईटीआर फाइलिंग ऑल्सो इन टू केसेस। वन, अंडर सेक्शन 115G ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। वो क्या कहता है सर कि इफ द एनआरआई हैज ओनली स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट इनकम इन इंडिया, लाइक इनकम फ्रॉम डिविडेंड, डिबेंचर इंटरेस्ट, डिपॉजिट इंटरेस्ट, विच इज टैक्सेबल एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115E ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। अगर आपके पास केवल और केवल ऐसी ही इनकम है जो यहां स्पेसिफिक चैप्टर चैप्टर 12A या टैक्स रेट के लिए 115E सेक्शन में आती है, थोड़ा सा मामला टेक्निकल है, तो आपको इंडिया में आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड आपका टीडीएस ड्यूली अप्लाई हो गया। दूसरा दोस्तों, एक सेक्शन एनआरआई के लिए और एप्लीकेबल होता है, 115A। उसमें भी ये कहा गया है कि अगर एनआरआई की इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड से इनकम है, या बिजनेस ट्रस्ट से कोई इनकम है, या इन्वेस्टमेंट फंड की यूनिट से कोई इनकम है, इनकम फ्रॉम सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट है, या इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम इंडियन कंपनी अंडर सेक्शन 194LC है। ये सब स्पेशल रेट के टैक्सेशन के सेक्शन है दोस्तों। तो अगर एज एन एनआरआई आपके इन सेक्शंस में टीडीएस कटा है, एंड एज्यूमिंग दैट यू हैव नो अदर इनकम इन इंडिया, तो आप इंडिया में आईटीआर नहीं भी भरेंगे, चाहे आपका टीडीएस क्यों ना कट गया हो, आप इंडिया में आईटीआर भरने के लिए लाइबल नहीं है। पर एक बात मेरी ध्यान से समझिएगा सर, देर आर टू थिंग्स। वन, यू आर लाइबल फॉर फाइलिंग रिटर्न इन इंडिया, एंड सेकेंडली इट इज एडवाइजेबल फॉर यू टू फाइल आईटीआर इन इंडिया। सर्टनली वेन यू हैव इनकम ऑफ दीज नेचर लाइक 115G और 115A, टीडीएस भी लग गया, तो इनकम टैक्स लॉ कह रहा है जी आपको रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। मेरे जैसे चार्टर अकाउंटेंट बोलते हैं, नहीं साहब रिटर्न भर देंगे तो क्या बुरा होगा, आप रिटर्न भर दीजिए, क्योंकि रिटर्न भरना इज अ पॉजिटिव एक्टिविटी विच विल एटलीस्ट स्टॉप द डिपार्टमेंट टुमारो आस्किंग योर क्वेरी के साहब ये पैसे आए कहां से। ये मेरा सिंपल सा अब तक का प्रोफेशनल अनुभव है दोस्तों। वो लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रडार पे ज्यादा आते हैं जो रिटर्न नहीं भरते, वो लोग नहीं आते, कम आते हैं जो रेगुलरली रिटर्न भरते हैं। तो मेरा जनरली एडवाइज ये रहता है एनआरआई क्लाइंट्स को ये सब, क्योंकि आपके पास इंडिया में अगर हैवी इन्वेस्टमेंट्स हैं तो इट वुड बी बेटर दैट यू कीप ऑन रेगुलरली फाइलिंग योर रिटर्न ऑफ इनकम। दोस्तों, दो स्पेसिफिक इनकम जो एनआरआई के लिए एग्जम्प्ट होती है, वॉट इफ एनआरआई हैज ओनली एनआरई अमाउंट इंटरेस्ट इन इंडिया, क्योंकि एनआरई खाते पर आया जो भी ब्याज है वो पूर्णतः एग्जम्प्ट होता है। एंड वॉट इफ एनआरआई हैज ओनली एग्रीकल्चर इन इनकम इन इंडिया। तो अगर मान लीजिए एज एन एनआरआई आपके पास इंडिया में केवल एनआरई खाते का ब्याज है, या केवल एग्रीकल्चर इनकम है, या केवल ये दोनों ही है और कोई इनकम है ही नहीं, तो मेरा फिर ये कहना है कि आपको रिटर्न भरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये दोनों इनकम आपकी इंडिया में एग्जम्प्ट इनकम है। लेकिन अगर इन इनकम से भी आपको इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यानी अपना आगे का सोर्स जनरेट कर रहे हैं, तो मैं जनरली इन्वेस्टमेंट्स के केसेस में ये सजेस्ट करता हूं कि यू शुड फाइल योर रिटर्न ऑफ इनकम। हां, मैं ये नहीं कह सकता कि आपकी रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं एनआरआई के आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी होने या न होने पर बनाई गई ये पर्टिकुलर वीडियो आपको निश्चित रूप से कुछ हद तक ज्ञानवर्धक लगी हो। यदि एनआरआई से रिलेटेड कोई क्वेरीज आपके दिमाग में हो, आप मुझे पूछें, मैं उनका आंसर देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।